आने वाले साल के अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं। हालांकि संबंधित चुनाव में अभी 4 महीने का समय है, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वैसे मौजूदा वक्त में विधानसभा के गणित के लिहाज से एक सीट पर बीजेपी का नुकसान तय माना जा रहा है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर बीजेपी की अंदरूनी सुगबुगाहट एक खास रोमांचक स्थिति को जन्म दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव भी संबंधित अटकलों को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या कुछ स्थिति बन रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं। अप्रैल में खाली हो रही हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें, 1 राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए 58 विधायकों की जरूरत, बीजेपी और कांग्रेस का एक एक सदस्य निर्वाचित होना तय, तीसरी सीट पर बीजेपी के उतरने पर वोटिंग की स्थिति बनेगी, ऐसे में बीजेपी के पास 50 कांग्रेस के पास 62 विधायक होंगे। ये मसला एक तरह से फिर से बहुमत परीक्षण के संकेत देगा। ये तो रही निर्वाचन की बात, लेकिन यहाँ संबंधित सीट को लेकर जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया है और इसे लेकर क्या कुछ स्थिति बन रही है, आइए जानते हैं। राज्यसभा जाने की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता, सूत्रों का दावा मौजूदा सांसदों को मौका नहीं देंगे दोनों दल, बीजेपी से कई नेता दावेदार, कैलाश विजयवर्गीय सबसे मजबूत, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से मजबूत दावेदार, दिग्विजय ने अपनी तरफ से अजय सिंह का नाम बढ़ाया है, ये सूत्रों का कहना है। सीएम नाथ के लिए विधायकी छोड़ने वाले दीपक सक्सेना भी रेस में है। सुरेश पचौरी अरुण यादव के साथ कई और नेता भी कर रहे हैं दावा। संबंधित चुनाव पर अगर गौर करें तो मसला सिर्फ विधानसभा के गणित तक ही उलझा नजर नहीं आ रहा, बल्कि दोनों ही दलों में मुख्य घमासान की वजह संबंधित सीटों पर प्रत्याशी के चयन को लेकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर राज्यसभा में प्रत्याशी का चयन भी सियासी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है राज्यसभा की रेस। रेस लग रही है 2018 के चुनाव में लगी, लेकिन बाजी कांग्रेस ने मारी और फिर बात चली अन्य मुद्दों पर। विधानसभा का सत्र भी हुआ, तमाम सारे मुद्दे सामने आए और ये कहा गया कि रेस में कौन आगे कौन पीछे। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती राजनीति में, कहीं कोई ऐसी आकस्मिक घटना दुर्घटना हो जाती है तो फिर वही गणित बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार रेस राज्यसभा की होना है और राज्यसभा से मध्य प्रदेश के 3 मेंबर अभी हैं, सत्यनारायण जटिया, दिग्विजय सिंह और प्रभात झा। लेकिन तीनों सीट खाली होना है तो 2 सीट तो मानकर चलिए कि कांग्रेस की झोली में जाएगी, लेकिन 1 सीट पर मतदान जैसी स्थितियां निर्मित होगी यदि वोट के गणित को देखें, विधानसभा के मेंबर्स को देखें तो। लेकिन सबसे बड़ी रेस है कांग्रेस के अंदर कि आखिर कांग्रेस से कौन जाएगा राज्यसभा में। तो एक सबसे चर्चित चेहरा कोई इस समय चर्चा में बना है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि कभी उनके नाम की चर्चा इस बात को लेकर होती है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, फिर ये चल पड़ता है कि क्या राज्यसभा जाएंगे। लेकिन एक और बड़ा नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह लगातार राज्यसभा के सदस्य बीते और ये उनका अंतिम कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा, तो क्या पुनः उन्हें भी जगह मिलेगी, और उन्हें जगह मिलती तो क्या फिर ज्योतिरादित्य जाएंगे। ऐसी तमाम तरह की बातें। चलिए आज यही हमारा मुद्दा है और मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। खिलावन चंद्राकर जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत करता हूं। आनंद आनंद साहब है कांग्रेस के, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। खिलावन जी, क्या देख रहे हैं राज्यसभा की रेस का दौर अब शुरू हो गया, हालांकि काफी वक्त है, नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2 दिन बचे हैं 2019 की विदाई में, लेकिन हम देख रहे हैं विदाई से पहले राज्यसभा की रेस शुरू हो गई है। हर कोई दावा कर रहा है और दावे इतने ज्यादा है कि समझ नहीं आता कौन कैसे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा होने वाली है वो कांग्रेस के अंदर। मनोज जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उनके राज्यसभा सदस्य बढ़ जाएंगे। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सदस्य चुनकर जाते हैं जी, और 6 वर्षीय जो टर्न है वो 13 अप्रैल को खत्म होने वाला है। और इस टर्न में 3 राज्यसभा के सदस्य, जैसे आपने नाम बता दिया है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, 3 राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पद से मुक्त होंगे और यदि पुनः निर्वाचन हुआ तो फिर से जाएंगे। लेकिन 3 जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसमें 2 भाजपा के हैं और 1 कांग्रेस के हैं। लेकिन संख्या बल यदि देखें, संख्या बल के आधार पर देखें, आप तो 58 कह रहे हैं, मैं 57 कह रहा हूं, क्योंकि अभी 1 विधानसभा
के सदस्य की रिक्तियां और हो गई है, तो 57 मतों की जरूरत होगी एक राज्यसभा सदस्य निर्वाचन के लिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत रास्ता साफ है, दो दो सदस्य वो निर्वाचित कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि घमासान कांग्रेस में भी है, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह की वरिष्ठता को देखते हुए तीसरी बार उन्हें राज्यसभा सदस्य में भेजा जा सकता है, ऐसा अनुमान है मेरा, भेजा जा सकता है। हाँ, लेकिन दूसरा दूसरा जो बिंदु है वो दूसरे सदस्य के रूप में यदि कांग्रेस चाहे, और जिस तरह से यदि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर कर दे ज्योतिराज सिंधिया को, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। वो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि राज्यसभा में बात रखने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम सदन में खड़े होते हैं तो बात तो रख पाते हैं। निश्चित रूप से उन बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, और युवा वक्ता है, युवा चेहरा है वो, तो इन 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 इसलिए जो है कांग्रेस को मुझे लगता है कि, और पार्टी हाईकमान में आपने देखा उस दिन जब 14 तारीख को 14 दिसंबर को वहाँ प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो आपने देखा होगा कि युवा नेताओं को बोलने का वहाँ अवसर मिला, तो उसमें ज्योतिराज सिंधिया भी शामिल थे, सचिन पायलट और ज्योतिराज सचिन पायलट थे, और तो मुझे लगता है कि युवा नेताओं को बहुत जल्दी आगे बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, और यदि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाए तो मुझे लगता है कि राज्यसभा सदस्य में भेज के, राज्यसभा में भेज के उनको संतुष्ट किया जा सकता है, उनके समर्थकों को संतुष्ट किया जा सकता जी, है। जी जी जी। आपने 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 एक महत्वपूर्ण बात कही कि चुनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो मुझे लगता है कि 114 सदस्य यदि कांग्रेस के पास है और 57 के दो वो 114 हो जाते हैं, दो स्लेब बनेंगे तो 114 हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि 4 निर्दलीय भी अभी कांग्रेस के समर्थन में है, और 2 बसपा के और 1 सपा के भी समर्थन में है। मुझे लगता है पिछले चुनाव में आपने तनखा के चुनाव में देखा होगा कि बसपा ने बकायदा घोषणा की थी, जबकि उस समय 4 सदस्य थे उनके। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि भाजपा के साथ जाने के बजाय वो सीधे सीधे कांग्रेस के समर्थन में आएंगे, और सरकार में भी समर्थन में है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को 2 सदस्य चुनने में आसानी होगी। ठीक, कौन होंगे ये बात अलग है। ठीक है, जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा की चर्चा आपने नहीं की, मुझे लगता है कि भाजपा में 2 बहुत प्रबल दावेदार हैं, या तो प्रभात झा, नाम लिया है कैलाश विजयवर्गीय प्रभात झा को रिपीट किया जा सकता है, या राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से कैलाश जी का लगातार दखल बढ़ रहा है, और पश्चिम बंगाल में उन्हें बहुत जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे लगता है उनको भी राज्यसभा सदस्य में भेजा सकते। बिल्कुल ठीक है, या मतलब या तो प्रभात झा या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों में से एक को भेजने फिर भी या कह रहे हैं ज्यादा संभव, उसके बाद भी या कह रहे हैं आप, या इसलिए कह रहा हूं कि दोनों बहुत प्रबल दावेदार हैं। जी जी जी। दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी अभी, एक उपाध्यक्ष है और एक महासचिव है, और लगातार दोनों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती बिल्कुल है। लेकिन एक अलग जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के पास है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनके पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी, और सुरक्षा की दृष्टि से यदि वो राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं तो सुरक्षा कुछ अलग तरह से उनको मिलने लगेगी, ये मजबूरी हो जाएगी वहां की सरकार की, तो शायद ऐसी चर्चा है कि उन्हें मौका मिल जाए। आनंद तारण जी, रेस काफी लंबी है, पर कौन आगे होगा? ये तो सब हाईकमान के अंतर्गत आता मामला, हाईकमान किसको चाहता है, कांग्रेस को किससे फायदा है, तो निश्चित रूप से हाईकमान इस मामले में गंभीरता से करेगा। और कांग्रेस में 2 दावेदार हैं, वरिष्ठ नेता में दिग्विजय सिंह जी हैं और हमारे आदरणीय सिंधिया जी हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की सहभागिता मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में भी रही है, और आज स्थिर सरकार का जो मामला हुआ है या सरकार बनाने के लिए जितना प्रयास किया, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी तीनों ने मिलकर किया, तो निश्चित रूप से दोनों की दावेदारी प्रबल है, और ऐसा लगता है कि हाई कमान इनको ही हरी झंडी देंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी शायद ना हो, क्योंकि हालांकि वो रखते हैं कि उनको जाना चाहिए राज्यसभा में, लेकिन ऐसी चर्चा है कि शायद वो अजय सिंह का नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या बोला आपसे कि ये हाई कमान के अंतर्गत आ सकता है, या दिग्विजय सिंह जी चाहें कि उनको राज्यसभा में जाना है कि नहीं जाना, ये उनके विवेक पे, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, वो वरिष्ठ नेता हैं तो वो किस तरह से अपने आप को लेते हैं, किस स्थान पर रखते हैं, ये उनके हाथ में। ठीक है, राजू मार्जी जी के साथ जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, उनका स्वागत है। राजू जी, कहाँ अब राज्यसभा की रेस शुरू हो गई है, हालांकि अप्रैल में होना है, 13 अप्रैल के बाद कभी भी ये देखने को मिलेगा,
काफी वक्त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय रेस बड़ी लंबी है, चाहे कांग्रेस के अंदर कहे या बीजेपी के अंदर। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे शायद मेरे को जगह मिल जाएगी। राज्यसभा सदस्य अभी वर्तमान में दो हैं आपके यहां से, सत्यनारायण जटिया और प्रभात झा। लेकिन यहां जो स्थितियां हैं, यदि गिनती हम आंकड़ों को देखें तो लगभग आप बराबरी, फिर भी कांग्रेस ज्यादा है तो दो सदस्य तो इनके बनेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चुनाव जैसी स्थितियां आप पैदा करेंगे? मनोज जी, दीदी बोले उससे पहले मैं बता रहा था जी, दीदी बोले कि उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि दीदी भी, राजू दीदी भी बहुत दो टर्न पहले लगभग राज्यसभा के लिए बहुत रेस में थी, मुझे लगता है उनका भी नाम लिया जाना चाहिए यहाँ। चलिए चलिए ठीक है राजू जी, जी आपकी बात रख दी है खिलावत जी। बधाई दे देता हूँ, भाइयों को चिंता ज्यादा होती है ना। उनने अपनी चिंता प्रकट कर दी, वो आनंद जी भी कर सकते पर वो यहाँ पे बंधे हुए हैं थोड़े से। उन्होंने बधाई दे दी आपको, उन्होंने बधाई दे दी आप। लेकिन लेकिन चलिए, हंसी मजाक अपनी जगह है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो राज्यसभा के लिए बहुत सारे योग्यतम नाम हो सकते हैं। वो कौन होंगे ये ना मुझे मालूम है, ना अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के मन में इस तरह की इच्छा हो, अच्छी बात है। पार्टी के मंच पर, उचित स्थान पर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है संसदीय बोर्ड की, अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड करता है, और संसदीय बोर्ड किस नाम पर मोहर लगाएगा ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं कयास इस विषय में नहीं लगा सकती। हाँ, जो भी जाएंगे वो निश्चित रूप से पार्टी के बहुत परिश्रमी लोग होंगे, वरिष्ठतम लोग होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टी को अगर किसी क्षेत्र विशेष में से किसी की आवश्यकता होगी तो वो भी चयन राज्यसभा के द्वार से ही होता है। इसलिए क्या होगा ये संसदीय बोर्ड का विषय है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से हम दम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें हम जीत के आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि दोनों सीटें? बिल्कुल हमको लग रहा है। कैसे, गणित तो दिख नहीं रहा है? देखिए, दिखता कुछ और है और होता कुछ है, बहुत सारी चीजें ऐसी अभी होती। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, इस बार जरा कुछ गड़बड़ हो रही है मध्य प्रदेश। आप देखेंगे ना आनंद जी, मैदान में देखेंगे ना, दो हाथ वहीं करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय को भी क्या इस बात की ऐसी चर्चा चल रही है, हालांकि आप नहीं कहेंगे उसको, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार उनके पास जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की है, और पश्चिम बंगाल से जब कब उनके ट्वीट भी आते रहते हैं कि मैं यहां से गुजर रहा था और एक हमला करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो लगातार वहां ऐसी जगह है जहां आपका पहले तो कोई रोल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, 18 सांसद वहां से चुनकर आ गए। तो क्या उनको लग रहा है आपको कि इस बात की जरूरत होगी कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्यसभा मिल जाए? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अलग है, और अभी आपने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब एक्ट में बदला और आने के बाद तो ममता जी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया, वो की और छी शुरू हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने में निश्चित रूप से माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की बहुत बड़ी भूमिका है, और दावेदारी तो उनकी भी बनती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, तो ठीक है, हो सकता है वो भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई और भी हो सकते हैं, हो सकता है आप भी हो जाए जैसा खिलावत जी कह रहे। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ इस विषय में और उस लाइन में मेरा नंबर है नहीं। नहीं, आपने भी कहा ना कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना भी चाहिए पार्टी। अरे भाई, प्रदेश अध्यक्ष के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते अपना नाम तो खुद आगे बढ़ा रहे हैं, सार्वजनिक मंच में कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं हो सकता प्रदेश अध्यक्ष, तो राजू दीदी को भी कहना चाहिए कि मैं क्यों नहीं हो सकती राज्यसभा सदस्य। चलिए, आज आपने कह दिया, मुझे लग रहा है कि बीजेपी राजू दीदी पार्टी की वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो बिना पता लिखा लिफाफा है। भारतीय जनता पार्टी उस पते पर जो पता लिख देगी पार्टी, राजू दीदी वहां चली जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि पता तो सब लिखवा ही लेते हैं। किलावन जी, यदि असल में ये मुद्दा ही इसलिए है कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा चर्चा है कि राज्यसभा से जाएगा कौन, जैसा आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसी स्थितियां बनेंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष की बात करें, और आप देखिए दोनों ही पार्टियों में पीसीसी अध्यक्ष तय नहीं हो पाया, 2019 लगभग अब जाने वाला है और जो कुछ होगा वो 2020 में होगा, हो सकता है कि अंतिम दिन कहीं कुछ सुनने को मिल जाए, लेकिन इसकी उम्मीदें कम है।
तो क्या ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग अब राज्यसभा में भी जाएंगे? देखिए कमोबेश दोनों दलों में यही स्थिति है। भाजपा में भी अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वो अभी तो कोर कमेटी की, सेंट्रल कोर कमेटी की बैठक भी होना बाकी है। जो सलाम असवीरा है रायशुमारी वो हो चुकी है भले ही, लेकिन पर्यवेक्षक भी नहीं आए हैं अभी यहाँ मध्य प्रदेश। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि जनवरी माह में, आप सही बोल रहे हैं, जनवरी माह में ही संभव है, अभी दिसंबर में तो संभव नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की स्थितियां भी बदलने वाली है। कमोबेश यही स्थिति जो है वो जो है कांग्रेस में भी है। और आप देखेंगे कि जो राज्यसभा की दौड़ में शामिल हैं, दो महत्वपूर्ण भाजपा के लोग शामिल हैं, जो प्रभात झा भी शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है, और दोनों जो है ना राज्यसभा सदस्य के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष के दौड़ में भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि पहले भाजपा अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, उसमें जो ड्राफ्ट हो जाएंगे दोनों में से, या दोनों में से दोनों ड्राफ्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस कैलाश विजयवर्गीय की इसलिए है कि अभी वो कहीं से निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। और आपने सही कहा कि जब पश्चिम बंगाल में 0 से 18 तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जीत के लिए या भाजपा को स्थापित करने के लिए जो इन्होंने परिश्रम किया है, और इस परिश्रम के दौरान जो कठिनाइयां सामने आती है, राजोजी भी जिक्र कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया इस बात का कि बार बार उनका ट्वीट आता है, बार बार उनका संदेश आता है कि मुझे फलाने जगह घेर लिया गया है, मेरे साथ इस तरह की बदतमीजियां की जा रही है, पुलिस मेरी नहीं सुन रही है। तो मुझे लगता है कि उनको जनप्रतिनिधि बना के राज्यसभा में भेज के उनका सम्मान किया जा सकता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल की सरकार भी उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सके, या हो सकता है सेंट्रल से भी उनको सुरक्षा प्रदान करने की कार्रवाई शुरू हो सके। जी आनंद तारड़ जी, 2020 कुछ नया लेकर आने वाला है क्या आपको लग रहा है? लगातार चर्चा चलती रही कि पीसीसी का अध्यक्ष कौन होगा, आप नहीं दे पाए, फिर अब चर्चा चल पड़ी राज्यसभा की रेस की, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के अंदर? अब कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, लगातार आप लोग अलग अलग स्टेट में चुनाव भी जीत रहे हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी चर्चा क्यों करना पड़ती? देखिए सबसे पहले कांग्रेस की जवाबदारी मनोज भाई इस बात की है कि हम जनता से जो हमने वायदे किए उन्हें हम किस तरह से पूरा करें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति में हमें प्रदेश मिला है, उन सबसे दो दो हाथ होने के बाद स्थिति को धीरे धीरे आदरणीय कमलनाथ जी नियंत्रण में कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी सबसे पहले जवाबदारी उस जनता के प्रति है। दुर्भाग्यवश स्थिति फिर नियंत्रण से बाहर हो गई है तो, नहीं जिसके प्रति हम जवाबदार हैं, जिसको हमने वचन दिए हैं, जिससे वायदा किया, तो निश्चित रूप से उस काम को हम पूरा कर रहे हैं, और उस काम को जब तक पूरा नहीं करेंगे आदरणीय कमलनाथ जी तब तक चैन से नहीं मिलेंगे। देख आपने देखा होगा कि 11-11, 12-12 घंटे तक वल्लभ भवन में बैठे थे, जिस तरह से उन्होंने आज स्टेप लिए हैं माफियाओं से निपटने की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सुशासन की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, और ईमानदारी से सुशासन की ओर बढ़ रहा है। ये विज्ञापनों में और कागजों की कार्रवाई नहीं है, ये आप धरातल पर भी देख रहे हैं, जनता भी आज बोल रही है कि हाँ अब कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की। राज्यसभा से भी जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं, चिंता तो हो रही होगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि ये कुछ करना तो पड़ेगा ना आप लोग। देखिए राज्यसभा से जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश में आगजनी लगी हुई है, इस बात का तो पूरे देश को ध्यान रखना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, कितनी जद्दोजहद के बाद हम सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आज़ादी में जी रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आज ऐसा नहीं कल हम फिर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाएं, तो इस बात की भी गंभीरता है, लेकिन कांग्रेस सबसे ज़्यादा गंभीर था, क्योंकि अगर आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर आगे बढ़ के काम किया तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल जी, इस तरह के सभी नेता हैं। गंभीरता के चलते आपको लग रहा है कि एक युवा नेता राज्यसभा से वहां जाएगा? क्यों नहीं जा सकता? देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि कांग्रेस में सभी वर्गों को पूरी सम्मान है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे और छोटा हो, तो सबको बराबर का सम्मान है, जो जिस स्तर पर काम करता है उसको वहां सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुजुर्ग हो गया और जिसने लगातार अपनी सेवाएं दी है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजू जी कुछ कह रही जी, आनंद जी ये बात कह रहे थे कि स्थितियां ऐसी बना दी हैं और ये कर दी हैं, अरे भाई राज्यसभा में
आपके अधूरे छोड़े हुए काम को ही हमने पूरा किया है। उन्हीं महात्मा गांधी जी की कही गई बात जिस पर आप वर्षों से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसी के नाम को ले लेकर सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन लेकिन आप भूल गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी राष्ट्रीय आपदा कोष को उस एनआरसी के लिए रखा था, उस अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के थे, उनको। राजू जी, इसीलिए आपने कहा कि राज्यसभा की लड़ाई हम लड़ेंगे, आंकड़े का खेल आप मत देखिए, क्या अभी फिर से और जरूरत पड़ने वाली, कुछ और बिल लेकर आ रहे हैं? देखिए, हम क्या लेके आएंगे वो एक अलग बात है जी, और वो उसके लिए हमारी मंत्री परिषद तय करती है, वहाँ दोनों सदन के लोग बैठकर सब विचार कर तय करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो आपके पूर्वजों जिनके नाम की रोटी सैंक सैंक खा रहे हैं, उनकी बातों को जो अच्छी लगती है वो स्वीकार, जो अच्छी नहीं लगी वो अस्वीकार। कल तक रणजीत सिंह सुरजेवाला कह रहा था एनआरसी कांग्रेस का बेबी है, कांग्रेस का बेबी है। कल तक मनमोहन सिंह उसकी आवश्यकता महसूस कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन सब ने उसको अब स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? और विरोध करना था तो सदन में करते हैं। एक शब्द राहुल गांधी नहीं बोले, एक शब्द सोनिया गांधी नहीं बोली, और बाहर निकल के वीडियो जारी करते हैं। क्यों भाई, सदन में मौनी बाबा क्यों बने थे? हम तो देश में एक ही मौनी बाबा को जानते थे, लेकिन इस बिल ने बता दिया कि सदन में दो मौनी बाबा और थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। जो मुझे लग रहा राज्यसभा सदस्य के आंकड़ों से बात उस समय क्यों नहीं बोली की तरफ जाने लगी है, और जाएगी भी क्योंकि बात नहीं बोले। आप तो बिल पे बात करो, बिल पे कर रहे तो बिल पे कर लो। उस समय क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी? बाहर आके वीडियो जारी करती है। खिलावन जी, कब तक मान लें कि ये जो इसकी तैयारियां शुरू हो जाएगी, दिखाई दे रही आपको कहीं? देखिए, पार्टियां तो राजनीतिक दल सभी चुनाव के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर देती है, और फौरी तौर पे तैयारियां भले ही दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आंतरिक रूप से लोग इस बात को लिए तैयार हैं। आपने एक मंत्री का बयान देखा होगा पिछले दिनों, उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा सदस्य में भेजने, राज्यसभा में भेजने की बात कही थी। रही महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चर्चा इस बात का नहीं है कि कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल नहीं आएगा, कौन सा बिल आ गया तो देश में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये सब बातें गौण हैं। लेकिन जिस तरह से तारण जी या राजू जी, तारण जी गिना रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन की बातें, नेहरू और गांधी की बातें, तो मुझे लगता है कि अब देश में उसी को आगे बढ़ाया ना भाई साहब। जी जी जी, मुझे ये भी कहा था, मुझे लगता है अब अटल जी की बात करके, अटल जी के कार्यकाल की बात करके, नेहरू गांधी के कार्यकाल की बात करके ज्यादा दिन पब्लिक को भ्रमित नहीं किया जा सकता। चलिए, और थोड़ा मुझे लग रहा है इजाजत नहीं, इसीलिए आज जो है अधिकांश राजनीतिक दल बहुत चुनाव में बहुत बेहतर मुद्दा लेके आती है। जैसे कांग्रेस लेकर आई कर्जा माफी का मुद्दा, आज कल से वो दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, हालांकि भाजपा के द्वारा बार बार उस पर लगाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कर्जा माफी एकमात्र ऐसा मुद्दा था जो जो भाजपा जो जो कांग्रेस को सरकार में लाने में समय इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े खिलावन जी, राजू जी और आनंद तारण जी। लेकिन राज्यसभा की रेस शुरू हो गई है, और खासकर कांग्रेस के अंदर इसको लेकर खासी चर्चा है, क्योंकि एक नाम जो कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद चर्चा चल इस बात की पड़ी थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान उनको मिलेगी, बात नहीं बनी। अब राज्यसभा की तैयारियां हैं, और एक बड़ा नाम दिग्विजय सिंह जी का है जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य है। लेकिन दोनों के बीच की यदि बात करें तो क्या क्या बातें राजनीति में चल रही है वो हम सबको पता है, फिर भी राज्यसभा की रेस बड़ी लंबी है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि अच्छा खासा अंकों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में देखे तो दोनों के पास है, तो फिर वही चीज होगी जो हमने विधानसभा के दौर में देखने को मिली थी। चलिए, आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।